हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फैक्ट। मेरा नाम है राहुल और आज हम जानेंगे व्हाई द टायर्स आर ब्लैक। आखिर टायर्स ब्लैक क्यों होते हैं? जब हम कोई कार खरीदते हैं तो एक बात को लेकर हमारी जिज्ञासा बनी रहती है कि हमें किस रंग की कार खरीदनी चाहिए। क्या वाइट क्लासी लगेगी या फिर सिल्वर मेरी पर्सनैलिटी को सूट करेगी? लेकिन जब हम टायर खरीदते हैं तो ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ जिसका हमें विकल्प नहीं दिया गया है वह है हमारे टायर का रंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अलग अलग रंग के टायर क्यों नहीं मिलते और यह हमेशा काले रंग का ही क्यों आते हैं? आइए आपको बता दें इसके पीछे की वजह। हम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टायर हमेशा काले इसलिए होते हैं क्योंकि वे कीचड़ भरी सड़क पर चलते हैं, इसलिए उन्हें काला रखना बेहतर है ताकि वह गंदे ना दिखे। लेकिन नहीं, यह इसके पीछे का फैक्ट नहीं है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन करीब 125 साल पहले एक समय था जब टायर सफ़ेद रंग के आते थे। इसके पीछे का मुख्य कारण रबड़ का प्राकृतिक रंग था जो दूध या सफ़ेद होता है। तो अब काला क्यों होता है टायर का रंग? इसकी वजह यह थी कि नेचुरल रबड़ से बने टायर ज़्यादा मजबूत नहीं होते थे, जिसकी वजह से टायर जल्दी ख़राब हो जाते थे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी टायर कंपनीज के लिए। इसलिए 1910 में बीएफ गुडरिक कंपनी ने रबड़ में कार्बन मिलाकर लंबे समय तक चलने वाले टायर का आविष्कार किया। टायर के काले रंग का मुख्य कारण उसमें मौजूद कार्बन कंपाउंड होता है, कार्बन ब्लैक, जिसने दशकों पहले टायर उद्योग को नए सिरे में ढाला था। रबड़ में कार्बन मिलाने से टायर में टिकाऊपन और स्थिरता मिलती है। इतना ही नहीं, कार चलाते समय अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कार्बन ब्लैक का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह टायर को उसके मजबूत वर्जन में बदल देता है। यह टायर और सड़क के बीच घर्षणों कम करके टायर की लाइफ बढ़ाता है और इस प्रकार टायर ज्यादा गर्म भी नहीं होते हैं। काले टायर टायर की कम टूट फूट के लिए यूवी किरणों से भी टायर की सुरक्षा करता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि टायर टिकाऊ और भरोसेमंद हो, इसके लिए कार्बन ब्लैक कंपाउंड आवश्यक है। हाँ, एक समय था जब काला रंग उबाऊ लगता था और वह आकर्षक नहीं लगता था, लेकिन यह स्वीकार करना गलत नहीं होगा कि काला रंग टायर के लिए आदर्श विकल्प है, क्योंकि वह हमेशा गंदगी का सामना करते हैं तो वह जल्दी साफ भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि टायर का आविष्कार कब हुआ था। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर टाइम टू दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।